योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्नां अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। श्रीवीर राघव दयार्द्रकृपावतारम् श्रीजानकीश पदपद्मपरागभृङ्गम्। श्रीश्रीधरार्य चरणाम्बुजलग्नमौलिम्। श्रीदेशिकार्य घनश्यामगुरुं नमामः। कर्कटे पूर्वफाल्गुन्यां तुलसीकाननोद्भवां पाण्ड्ये विश्वंभरां गोदां वंदे श्रीरंगनायिकीं। नीलातुंगस्तनगिरितटी सुप्तमुद्बोध्य कृष्णं पारार्थ्यं स्वं श्रुतिशतशिरस् सिद्धमध्यापयन्ती स्वच्छिष्टायां सजिनिगलितं याबलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नम इदमिदं भूय एवास्तु भूयः। यहां तिरुप्पावई के दसवें पासुर दसवें छंद में चिंतन किया गया। यहां पर गोदाम्बाजी अपनी सखियों के साथ में गोपियों के साथ में अन्य गोपियों को जगा रही हैं। यहां पर मानो यह जो प्रसंग चल रहा है यह भी भगवान के भक्तों की भक्ति का ही एक लक्षण है। गोदाम्बाजी अपनी सखियों को साथ में लेकर के जिन सखियों को जगाती हैं उनसे भी चर्चा किसकी करती हैं, वहां भी चर्चा होती है भगवान की लीलाओं की। भगवान की लीलाओं के बारे में कहती हैं, भगवान की लीलाओं के बारे में चर्चा करती हैं, उन्हीं के बारे में पूछती हैं। भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में अपने श्रीमुख से जो भगवान के भक्तों का लक्षण कहा है, यहां पर गोदाम्बाजी उस लक्षण को यहां पर सार्थक करके दिखा रही हैं, उदाहरण प्रस्तुत कर रही हैं। श्रीमद् भगवद गीता के दसवें अध्याय के नवें श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं, मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम् कथयन्तश्च माम नित्यम् तुष्यन्ति च रमन्ति च। कि भगवान के भक्त कैसे होते हैं कि वो उनका चित्त भगवान में ही लगा रहता है, उनके प्राण भगवान में ही निवास करते हैं और वो परस्पर एक दूसरे को भगवान की ही बात बता करके एक दूसरे को उपदेश करते हैं, एक दूसरे को सावधान करते हैं भगवान की चर्चा से ही, और भगवान की लीला कथाओं को सुनाते हैं और सुनते हैं और उसी में आनंद मग्न रहते हैं। यहां पर दसवें पासुर में गोदाम्बाजी जो पहुंची है अपनी सखियों के साथ उस गोपी के यहां पर जो अब तक आई नहीं उठ करके उनके साथ में, तो यहां उसके घर के बाहर जाकर के उसे पुकारती हैं गोदाम्बाजी, जगाती हैं, पुकारती हैं, बुलाती हैं।
अब जब वह उत्तर नहीं देती वह गोपी, तो गोदाम्बाजी उस पर कुछ व्यंग भी करती हैं और क्या संबोधन करती हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे अनुष्ठान पूरा हो जाता है जब, तो व्रत अनुष्ठान पूरा होने पर जब उसका फल मिल जाता है तो ऐसा लगता है तुम्हें अनुष्ठान का फल मिल गया है, इसीलिए तुम बात भी नहीं कर रही हो, बोल भी नहीं रही हो और घर का किवाड़ भी नहीं खोल रही हो। और व्यंग किया यहां पर कि ऐसा लगता है कि भगवान श्री रामचंद्र ने जिस कुंभकर्ण का वध किया था उस कुंभकर्ण को भी तुमने पराजित किया था एक बार। नींद के बारे में कि कौन ज्यादा सो सकता है, तुमने कुंभकर्ण को भी पराजित किया और कुंभकर्ण को पराजित करके उसकी भी नींद अपने पास ले ली। व्यंग किया गोदाम्बाजी ने यहां पर और फिर पुकारा उस सखी को कि देखो अब तो उठो और अब तो अपने आप को संभाल करके बाहर आकर के हमसे मिल जाओ, घर का किवाड़ खोलो और बाहर आ जाओ। अस्माकं पटः प्रदेन तुलसी युं मौलिना शांगिणा ध्वस्तो रावण सोदरः सविजितो निद्रा परीक्षा विधौ चिन्नम स्वीय पराजयस्य महतिम निद्रा मदात किन्नुते येन त्वं स्वपिशी दिशं बहुविधं संबोध्यमानामुहुः। यहां पर राम जी का जो वर्णन आया, राम जी को संबोधन जो दिया गया, राम जी को जो विशेषण दिया गया, वह विशेषण बड़ा महत्वपूर्ण है। यहां राम जी को संबोधन दिया गया पुण्य स्वरूप, भगवान पुण्य स्वरूप होते हैं। सामान्य तौर पर क्या कहा जाता है शास्त्रों में कि शुभ कर्म करो तो शुभ कर्म करने वाले को पुण्य मिलता है और उस पुण्य के फल के रूप में सत्कर्म का फल होता है पुण्य और पुण्य का फल होता है कि वह स्वर्ग इत्यादि में जाकर के सुख पाता है। तो भाई यह पुण्य है क्या और पुण्य का फल मिलता कैसे है? तो यहां पर सामान्य तौर पर जिसे पुण्य कहते हैं वह सामान्य पुण्य तो पाप और पुण्य वो केवल किनारे अलग अलग हैं, लेकिन वो रस्सी के ही दो किनारे हैं, एक किनारा पाप है दूसरा किनारा पुण्य है। पाप भी बांधता है और पुण्य भी बांधता है। यहां पर जिस पुण्य की बात हो रही है यह पुण्य उस सामान्य पाप पुण्य की श्रेणी से ऊंचा उठा हुआ है। यहां पर पुण्य का मतलब है भगवान की प्राप्ति। सबसे बड़ा पुण्य यही तो है कि हम भगवान के श्री चरणों की प्राप्ति कर लेवें, भगवान के श्री चरणों की प्राप्ति के योग्य बन जावें, भगवान की कृपा दृष्टि के योग्य बन जाएं। वैसे भी सामान्य दृष्टि से देखा जाए तो सामान्य तौर पर क्या होता है कि पाप क्या और पुण्य का क्या, उनका फल मिलेगा कैसे, कौन देगा? पाप किया मान लो किसी ने तो पाप तो वह कर्म हुआ, वह कर्म शुरू हुआ, कर्म अंत हो गया। पुण्य भी कोई किसी कर्म को कहा जाएगा तो कोई कर्म होगा तो कर्म आरंभ होगा, कर्म समाप्त हो जाएगा तो उसका फल कौन देगा? कर्म तो शुरू भी हो गया अंत भी हो गया तो उसका फल देने वाला कौन है? तो फल देने वाले भगवान है। वैसे तो यह विषय बड़ा गूढ़ है, अभी इसका विस्तार नहीं करेंगे। स्वयं भगवान ही पुण्य स्वरूप हैं। सारे पुण्यों की सार्थकता तब है जब हम भगवान की प्राप्ति कर लेवें। पुण्य वही सार्थक जो हमें भगवान के निकट ले जाए, पुण्य वही सार्थक जो हमें भगवान की कृपा दृष्टि के योग्य बनाए।
वाल्मीकि रामायण में वर्णन भी है। रामो विग्रहवान धर्म है, साधु सत्य पराक्रम है, राजा सर्वस्य लोकस्य, देवानामेव वासव है। अरण्यकांड में 37वें सर्ग के 13वें श्लोक के रूप में यह वर्णन किया गया कि भगवान तो साक्षात धर्म है, मूर्तिमान रूप है भगवान धर्म के। भगवान श्री कृष्ण के लिए भी कहा गया शास्त्रों में कृष्णम धर्मम सनातनम, भगवान कृष्ण समझ लो कि सनातन धर्म है। यहां पर सोचा जा सकता है कि आखिर वह गोपी सोई हुई क्यों है, वह गोदाम्बा जी के पुकारने पर निकल के क्यों नहीं आई बाहर, उठकर के क्यों नहीं आई, तो वह गोपी निश्चिंत होकर कैसे सो रही है। इसके पीछे बड़ी गहरी बात है। देखिए जो कई तरह के उपाय होते हैं संसार में, कई उपायों के द्वारा सोचा जाता है कि इस उपाय से मेरा जीवन सिद्ध हो जाएगा, मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा, सफल हो जाएगा, मोक्ष प्राप्ति के लिए, मुक्ति के लिए या भगवान की प्राप्ति के लिए अलग अलग उपाय सोचे गए, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। लेकिन सामान्य तौर पर क्या स्थिति रहती है कि अलग अलग इन उपायों का आश्रय लेने वालों के मन में हमेशा थोड़ा संदेह रहेगा कि पता नहीं हमारा ये उपाय सफल हुआ या नहीं हुआ, होगा कि नहीं होगा सफल, ये हमारा अनुष्ठान पूरा होगा कि नहीं हो पाएगा। लेकिन क्या होता है, जब तक व्यक्ति कर्म करता है अपने अहंकार के वशीभूत होकर के, भले ही वह अच्छा काम भी करे लेकिन अहंकार के वशीभूत, चाहे तामसिक अहंकार हो, चाहे स्थूल अहंकार हो, चाहे सूक्ष्म अहंकार हो, जब तक वह किसी साधन में विश्वास कर रहा है कि यह साधन ही सबसे बड़ी बात है या अपने आप पर भरोसा कर रहा है, तो हमेशा प्रश्न खड़ा रहेगा। लेकिन कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो अपने उपाय के भरोसे नहीं होते, अपने आप के भरोसे नहीं होते, वे भगवान के भरोसे होते हैं। तो जो भगवान के भरोसे भगवान को प्राप्त करने चलता है वह हमेशा निश्चिंत रहता है। बाकी सारे उपायों में समस्याएं हैं, बाकी सारे साधनों में समस्याएं हो सकती हैं, बाकी सारे साधन संदिग्ध हैं कि पता नहीं परिणाम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन जिसने भगवान के ही श्री चरणों की शरण ले ली उससे तो भगवान मिलेंगे ही मिलेंगे, इसमें कोई संदेह हो नहीं सकता, क्योंकि भगवान ही वास्तव में साधन है और भगवान ही साध्य हैं। भगवान की कृपा से ही भगवान मिल सकते हैं, हमें इस बात का विश्वास चाहिए और इसी के अनुसार हमारा व्यवहार होना चाहिए। प्रश्न उठ सकता है कि आखिर यह गोपी निश्चिंत कैसे सोई हुई है, बाकी सब तो जग करके चल पड़ी हैं भगवान की आराधना के लिए, और यहां तो यह पुकारने पर भी निश्चिंत सोई हुई हैं। यहां पर बड़ी गहरी बात है एक और भी। यहां आचार्यों ने इस गोपी को नाम दिया कृतकृत्या। कृतकृत्य यानी क्या, एक होता है कृत्य, कृत्य मतलब कार्य, मतलब ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, कृत्य यानी करने योग्य कार्य। तो स्थिति क्या होती है संसार में, संसार में अधिकतर विडंबना क्या होती है कि लोग करने योग्य कार्य को हमेशा अंत में रखते हैं, संसार के कार्यों को पहले रखते हैं कि पहले रुपया इकट्ठा कर लें, कि पहले नाम कर लें, प्रसिद्धि कर लें, प्रतिष्ठा कर लें, संपर्क कर लें। संसार में लोग बाकी कार्यों को पहले करते हैं और वास्तविक जो कार्य है, कृत्य मतलब करने योग्य कार्य, सबसे पहले करने योग्य जो कार्य है, तो सबसे पहले करने योग्य कार्य क्या है, भगवान का भजन,
भगवान की शरणागति, तो उसको वो रखते हैं अंत में। और जो भी कार्य आपकी प्राथमिकता में अंत में होगा वो काम कभी हो नहीं पाता। तो संसार के लोग क्या है, संसार के लोग भगवान का जो भजन है, जो वास्तविक कार्य है, उसे करते नहीं हैं। उनका वह काम हमेशा बकाया होता है कि ये तो बाकी है, ये करेंगे, बाद में करेंगे, अभी जल्दी क्या है, करेंगे, अभी योग नहीं आया, अभी ये नहीं आया। भोजन के अंदर कोई योग नहीं देखते, रुपया गिनने में कोई योग नहीं देखते, लेकिन भगवान के भजन में कहते हैं अभी योग नहीं आया, जब योग आएगा तब करेंगे भजन। तो यहां पर एक बड़ा भारी अंतर है। यहां पर जिस गोपी को जगाया जा रहा है वह गोपी कैसी है, वह गोपी ऐसी है जिसने कर्तव्य कर लिया, जिसने भगवान का भजन कर लिया, जिसने भगवान को प्राप्त कर लिया, जिसने भगवान को अनुभव कर लिया, जिसने भगवान के श्री चरणों की प्राप्ति कर ली। शास्त्रों में कहते हैं, नीति शास्त्रों में दो श्लोकों का एक समूह आता है, वहां पर पहले श्लोक में चेतावनी दी गई कि भाई योजनाएं तो बहुत बनाते हो लोग, दुनिया में लोग बहुत योजनाएं बनाते हैं, लंबी लंबी योजनाएं बनाते हैं लोग, पूछो क्या कर रहे हो, लोग कहते हैं इस साल ये योजना है, इस साल ऐसी नई दुकान शुरू करेंगे, अगले साल ऐसा नया काम शुरू करेंगे, उसके अगले साल वो काम करेंगे। तो संसार के कामों के बारे में तो उनके पास में कई योजनाएं हैं, लेकिन भूल जाते हैं वो लोग कि वो अजर अमर नहीं हैं। वो ये तो योजना बनाते हैं कि ये करूंगा ये करूंगा, लेकिन भूल जाते हैं कि मैं मरूंगा भी। वो संसार के कामों की तो योजना बनाते हैं, लेकिन मृत्यु होने से पहले कौन सा अनिवार्य काम है वो काम मैं कर लूं, ये योजना नहीं बनाते। करिष्यामि 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 इति चिंतया, मरिष्यामि 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 इति विस्मितम्। कितना भी जोड़ा, सब रहना यहां है, साथ नहीं जाती कौड़ी, साथ जाता भजन, और भजन लोग जोड़ते नहीं, भजन लोग करते नहीं। तो क्या कमाया, गमाया गमाया, क्या कमाया। कहां एक छोटी सी बात पड़ी थी कि यहां संसार में तो लोग, संसार में लोग दिन भर रुपया इकट्ठा करके रात को गिनते हैं कि कितना हो गया, कितना हो गया, कितना और जुड़ गया उनके पास में। उधर भगवान विचार करते हैं ऊपर कि अरे रुपया तो इसने जोड़ा, पर इसकी इतनी सांसें घट गई, इसका इतना अवसर चूक गया, इतना अवसर घट गया, इसका एक दिन और चला गया, इसके जीवन के इतने घंटे और चले गए। तो क्या जोड़ा, भगवान से जुड़े तब जीवन सार्थक है। अंग्रेजी में जोड़ने के बारे में दो शब्द आते हैं, जोड़ने के लिए दो शब्द हैं अलग अलग, कलेक्शन और कनेक्शन। कलेक्शन का मतलब भी होता है जोड़ना, और कनेक्शन का मतलब भी होता है जोड़ना, पर दोनों के अर्थ में अंतर होता है। जोड़ना मतलब इकट्ठा करना, कलेक्शन, और जुड़ना किसी से, वह है कनेक्शन। तो लोग कलेक्शन तो बहुत कर रहे हैं, धन का, संपत्ति का, नाम का, प्रतिष्ठा का, लेकिन भगवान से कनेक्शन नहीं है उनका। शास्त्रों में सावधान किया गया कि योजना बनाते रहते हो संसार के बारे में, करिष्यामि करिष्यामि, अरे भाई मत कहो कि मैं ऐसा करूंगा मैं वैसा करूंगा, ऐसा मत कहो। तब क्या कहो, ये कहो कि मैंने अपना कर्तव्य कर लिया, करूंगा करूंगा करूंगा, ये मत कहो, ये कहो कि मैं कर चुका अपना कर्तव्य, मैं भगवान का शरणागत बन चुका, मैं भगवान के श्री चरणों की प्राप्ति कर चुका, ऐसा हो जाए हमारा जीवन तब सार्थकता है। नहीं तो भगवान के श्री चरणों को पकड़ने की जगह दुनिया को पकड़ा,
तो क्या पकड़ा? करिष्यामि 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 ति मा वद, कृतवान कृतवान अस्मि त्यभिधाय कृती भव। और जब भगवान के श्री चरणों की प्राप्ति हो जाती है तब फिर क्या बाकी है? फिर भगवान मिल गए, भगवान के श्री चरण मिल गए, फिर तो जो हो जाए सो सही है, और कुछ हुआ न हुआ तो परवाह नहीं है। क्योंकि सच्चा भक्त दिखाने के लिए नहीं करता भजन, वह भगवान के लिए करता है। ऐसा हुआ वृंदावन के एक संत थे, व्यास जी नाम से प्रसिद्ध थे। तो एक बार चर्चा चली कुछ कि भाई कैसे कैसे होगा जीवन सार्थक। तो कोई तो अपने पूजा पाठ के बारे में बताने लगा कि मैं इतने पाठ करता हूँ, मैं इतना जप करता हूँ। कोई कहने लगा मैं बड़ा शुद्ध रहता हूँ। तो व्यास जी ने क्या कहा कि भाई मुझे तो राधा रानी के श्री चरणों का भरोसा है, मैंने तो उनके श्री चरण पकड़ रखे हैं, तो कि बस उनके श्री चरणों की प्राप्ति मुझे हो रखी है, तो मुझे मैं बाकी भजन करता हूँ, पाठ करता हूँ, शुद्ध रहता हूँ, लेकिन मुझे उनका भरोसा नहीं है। भरोसा तो मुझे श्री राधा रानी के श्री चरणों का है। सही बात है, भरोसा तो भगवान का ही काम आएगा। धन भी रह जाएगा यहीं पड़ा हुआ, शरीर भी रह जाएगा यहीं पड़ा हुआ, नाम भी कितना भी कर लो यहीं रह जाएगा, भगवान के श्री चरणों को जो पकड़ा जिसने वही पार हो पाता है। न तो धन पार करता है, न नाम पार करता है, ये सब तो डुबाते हैं। काहू के बल भजन को काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पावत पसार। कबीरदास जी ने पूरा जीवन भगवान की भक्ति में बिताया है। और कहीं पर उन्होंने कहा, क्या कहा कि कबीरदास जी कहने लगे अपने बारे में, अहंकार में नहीं कहा उन्होंने, भगवान मय होकर के भगवान की भक्ति में तन्मय होकर कह दिया कि समय था वो भी कि जब मैं खुद भगवान के पीछे पीछे भागता था, लेकिन अब तो पीछे भागते भागते मैंने भगवान के श्रीचरण पकड़ लिए, तो अब क्या स्थिति है कि अब तो मेरा मन हो गया निर्मल, और अब क्या, पहले तो मैं पीछे पीछे भागता था भगवान के, अब तो भगवान मेरे पीछे पीछे भागते हैं। ये भक्तों का भाव है, ध्यान रखना, ये आपका हमारा भाव नहीं, ये भक्तों का भाव है। यह अधिकार भी उन्हीं का है, इसमें आपका और हमारा अधिकार नहीं है इस तरह की बात बोलने का। कबीरदास जी ने जो कहा, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। जब मन निर्मल हो जाए, छल कपट राग द्वेष से मुक्त हो जाए और केवल भगवान वहां बसे, तो फिर तो भगवान भी पीछे पीछे चलते हैं। तुलसीदास जी ने भी अपने बारे में ही बात कही कुछ अलग तरह से। तुलसीदास जी कहते हैं कि अरे मेरे नाम को क्या जपते हो, मैं तो कुछ नहीं हूं, मैं तो जंगल की घास हूं। तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी बन की घास। तुलसीदास जी प्रसिद्ध हुए, उनकी भी महिमा गाने लगे लोग, लेकिन उन्हें अपनी महिमा सुनकर के अच्छा नहीं लगता। उन्हें तो अच्छा लगता है कब, कि जब राम जी की महिमा गाई जाए। ध्यान रखना आप हमेशा कि जब जो व्यक्ति अपने प्रशंसा सुनकर के खुश होता हो तो समझ लो ये भक्त नहीं है। जो भगवान की प्रशंसा सुनकर के खुश हो वह भक्त होता है, वह संत होता है। तो तुलसीदास जी की प्रशंसा की किसी ने, तो तुलसीदास जी कहने लगे अरे मेरे नाम की बात क्या करते हो, मेरे नाम का तो कुछ महत्व नहीं है। तुलसीदास क्या है, उन्होंने कहा कि मैं तो जंगल की घास हूं,
ये तो राम जी ने कृपा की तो मेरी कुछ महत्ता बनी है, पर महत्ता मेरी नहीं है, ये राम जी की कृपा की महत्ता है। तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी बन की घास, कृपा भई रघुनाथ की तो बन गए तुलसीदास। भगवान के भक्तों की जो बात है बड़ी अद्भुत है, भगवान के भक्तों की महिमा कोई कम नहीं है। और ये जो बातें हैं ये निराधार बातें नहीं हैं। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 14वें अध्याय के 16वें श्लोक के रूप में स्वयं भगवान श्री कृष्ण का वचन है उद्धव जी को कहा हुआ। क्या वचन कहा भगवान ने वहां पर? भगवान ने अपने कुछ भक्तों का लक्षण कहा कि मेरे ऐसे ऐसे जो भक्त हैं, भगवान श्री कृष्ण के ऐसे भक्त। भगवान लक्षण बताते हैं पहले तो कि कैसा भक्त हो उनका, कि निरपेक्षम, जो सबसे अपेक्षा छोड़ चुका हो, अपेक्षा करता है तो केवल राम जी से, और अपेक्षा किस बात की? कृपा दृष्टि की। मुनि जो मननशील हो, मनन करता हो अपने जीवन के आचरण का और भगवान की लीलाओं का, शांतम और जो वैर भाव से मुक्त हो, समदर्शी हो, तो ऐसों के बारे में कहा गया वहां पर भगवान के द्वारा। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजाम्यहम नित्यम पूज्येत्यंग्रिरेणुभिः। भगवान ने कहा कि ऐसा जो मेरा भक्त होता है तो मैं तो उस भक्त के पीछे पीछे चलता हूं। किसी ने कहा कि आप क्यों चलते हैं अपने भक्तों के पीछे? भगवान ने कहा कि मैं इसलिए चलता हूं कि भक्त चलेगा आगे आगे, मैं चलूंगा पीछे पीछे। तो भक्त आगे चलेगा तो उसके चलने से जो धूल है उसके पैरों की धूल उड़ेगी, और उसके पैरों की धूल उड़ेगी और पीछे पीछे मैं रहूंगा तो वह धूल, उसके चरणों की धूल मुझ पर गिरेगी तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। कैसी अद्भुत बात कि भगवान पवित्र हों अपने भक्तों की चरण धूलि से। स्वयं भगवान का वचन है। किसी ने पूछ लिया भगवान से, भगवान आपको क्यों पवित्र होना पड़े? आपका नाम लेने मात्र से बड़ा पापी भी पवित्र हो जाता है, उन आपको क्या जरूरत पड़ गई पवित्र होने की? आप में क्या अपवित्रता आ गई? आप में क्या कमी आ गई? आप में क्या दोष आ गया? भगवान ने कहा देखो ये मेरे भक्त हैं तो ये तो मेरे शरणागत हो जाते हैं और कहते हैं कि भगवान मैं केवल आपका, मैं केवल आपका। अब ये भक्त तो कह देते हैं मुझसे कि मैं केवल आपका, और उधर मैंने श्रीमद् भगवद गीता में वचन दिया है कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो जिस भाव से मेरे शरण में आता है, मेरा भजन करता है, मैं भी वैसा ही उसका भजन करता हूं। तो अब वह भक्त कहता है कि भगवान मैं केवल आपका, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? फिर तो मुझे भी कहना पड़ेगा कि मैं भी केवल तुम्हारा। लेकिन मैं कैसे कहूं किसी भक्त को कि मैं केवल उसका? भक्त तो कह देता है कि मैं केवल आपका, लेकिन भगवान कैसे कहें कि मैं केवल तुम्हारा? भक्त तो अनेक हैं और भगवान एक हैं। जीव अनेक एक श्रीकंता। तो अब भगवान कहते हैं कि मैं न कहूं कि मैं केवल तुम्हारा तब भी मैं झूठा हो गया, और यदि मैं कह दूं कि मैं केवल तुम्हारा
तब भी मैं झूठा हो गया तो मुझे अपने आप में कमी लगती है, तो मैं तो अपने भक्तों के पीछे पीछे चलता हूं कि मेरे भक्तों की चरण धूलि मुझ पर गिर जाए तो मैं पवित्र हो जाऊं। कितनी कृपालुता भगवान की, कितनी महानता, कितनी दयालुता। तो यहां पर जो बात है भगवान की और भगवान के भक्तों की, बड़ी अद्भुत है। जो भक्त पूरी तरह से भगवान के प्रति समर्पित हैं, उनकी बात ऐसी होती है, फिर तो उनके पीछे पीछे भगवान चलते हैं। पहले वे भक्त भगवान के पीछे पीछे चले पता नहीं कितने जन्मों तक, और बाद में तो भगवान भी उनके पीछे पीछे चलते हैं। इधर गोदाम्बा जी ने अपने उस सखी के साथ में व्यंग्य करते हुए कहा था उससे कि ऐसा लगता है कि जो कुंभकर्ण था ना, कुंभकर्ण, बड़ी भारी नींद थी उस कुंभकर्ण की। कैसी नींद? कि वह कुंभकर्ण 6 महीने लगातार सोता रहता था, एक दिन उठता, खाता पीता, फिर सो जाता 6 महीने के लिए। एक दिन जगे, खाए पिए और फिर सो जाए 6 महीने के लिए। तो ऐसा लगता है कि उस कुंभकर्ण को भी तुमने प्रतियोगिता में हराया। तुम्हारी और उस कुंभकर्ण की प्रतियोगिता हुई कि कौन ज्यादा सो सकता है, और उस प्रतियोगिता में तुमने उसको हरा दिया, और जीतने पर तुमने उसकी नींद उससे ले ली। तो तुम्हारी नींद तुम्हारे पास तो पहले से थी ही, कुंभकर्ण की नींद भी तुम्हारे पास में आ गई उसको जीतने के कारण, इसलिए लगता है तुम सोई पड़ी हो। व्यंग कर रही हैं यहां पर गोदाम्बा जी, लेकिन व्यंग शब्द का भी तात्पर्य समझना। व्यंग का मतलब केवल तीखे वचन ही नहीं होते हैं, व्यंग का मतलब होता है वास्तविक कहने का तात्पर्य। जैसे हम कहते हैं ना, किस बात का मतलब ऐसा है, इसका तात्पर्य यह है, शब्द ऐसे हैं लेकिन तात्पर्य ऐसा है। तो यहां तात्पर्य बड़ा गहरा है। आखिर सोई हुई क्यों है, वहां पर क्यों निश्चिंत है, इसके पीछे बड़ा गूढ़ भाव है। संसार में क्या होता है, संसार में एक बड़ी भारी विचित्र स्थिति होती है। कई बार संसार में कई बार कुछ लोग बड़े एक्टिव दिखते हैं और उनकी प्रशंसा होती है कि वह तो बड़ा एक्टिव है, वह तो बड़ा कार्य में तत्पर रहता है, बहुत मेहनत करता है, बहुत भागता दौड़ता है, देखो यहां गया, वहां गया, कहां गया, देखो कुछ कुछ करता रहता है। लेकिन देखो भाई, ये उठा पटक, ये दौड़ भाग किसकी होती है? अधिकतर रजोगुण और तमोगुण के कारण से यह सब होता है। ये भागना, दौड़ना, उठा पटक, ये सब रजोगुण के कारण होती है। और सत्वगुण की जब वृद्धि होती है तब क्या होता है, तब संसार की जो महत्वाकांक्षाएं हैं वे तो मिट जाती हैं। अब जब संसार की महत्वाकांक्षा मिट जाती है तो अपने आप ही संसार की भागदौड़ मिट जाती है। संसार में कौन भागेगा दौड़ेगा, जिसको संसार की वस्तुएं चाहिएंगी। जिसको धन ज्यादा चाहिए वह संसार में ज्यादा दौड़ेगा, जिसको ज्यादा प्रतिष्ठा चाहिए, ज्यादा नाम चाहिए, वह संसार में ज्यादा दौड़ेगा। और भगवान के भक्तों को तो न तो कोई धन इकट्ठा करने में रुचि है, न प्रसिद्धि में रुचि है, उनकी रुचि केवल भगवान के श्री चरणों में होती है। तो वो क्यों दौड़ेंगे, क्यों दौड़ेंगे? एक बड़ा सुंदर श्लोक है नीति शास्त्र में, आशा नाम मनुष्याणाम काचिद आश्चर्य श्रृंखला या बद्धा प्रधावंती मुक्तास्तिष्ठन्ति पंगुवत। वहां पर कहा गया कि एक बड़ा विचित्र बंधन है। कि क्या विचित्र बंधन है, तो उस बंधन के बारे में कहा गया कि ऐसा बंधन है, संसार के बारे में हम क्या देखते हैं कि जो खुला होता है, बंधन से बंधा नहीं होता है, कोई बंधन से मुक्त है तो वह आराम से कहीं भी आएगा, जाएगा, दौड़ेगा।
और बंधा हुआ आदमी क्या होता है, वह एक जगह रहता है क्योंकि बंधा हुआ है। लेकिन यहां पर कहा गया एक विचित्र बंधन है कि विचित्र बंधन क्यों कहा गया उसे, कि यह विचित्र बंधन ऐसा है कि इससे बंधा हुआ आदमी तो चारों तरफ भागता है, दौड़ता है, उठा पटक करता है, जोड़ तोड़ करता है, और बंधन से बंधा हुआ तो सारे दौड़ कूद करता है, भागता दौड़ता है, और जो खुला हुआ है बंधन से वो आराम से एक जगह बैठा रहता है। तो ये क्या बंधन है भाई, ऐसा विचित्र बंधन क्या है? तो कहा गया आशा, लोभ, कामना। संसार की जो आशा है, संसार का जो लोभ है, ये लोभ का बंधन, आशा का बंधन, यही ऐसा बंधन है कि अब जो आशा के बंधन से मुक्त है वह तो निश्चिंत रहता है अपने स्थान पर, और आशा के बंधन में जो बंधा है कि मुझको वहां ऐसा मिल जाएगा, मुझे उससे ये मिल जाएगा, मैं उससे ये ले लूं, तो ये जो बंधन है मन में वह दौड़ता रहता है, उठा पटक करता रहता है। तो ऐसा विचित्र बंधन है। लेकिन इस बंधन में कौन बंधे हैं? संसार के लोग बंधे हैं, इसलिए उठा पटक में लगे रहते हैं। जितना ज्यादा रजोगुणी होगा वह उतना ज्यादा उठा पटक करता है, उतना ज्यादा दौड़ कूद करता है, और जो भगवान को छोड़ के और सबसे अपने मन को हटा लेता है वह निश्चिंत रहता है एक स्थान पर, भगवान के भजन में निश्चिंत, वह न दौड़ता है इधर न उधर। तो वही बात है यहां इस गोपी की भी, ये गोपी कृतकृत्या है, भगवान के भजन में निश्चिंत है, भगवान की प्राप्ति करके भगवान का अनुभव कर रही है। लेकिन गोदाम्बा जी क्या चाहती हैं कि ये गोपी भी जो भगवान का अनुभव कर चुकी है, भगवान का अनुभव कर रही है, यह भी आ जाए हमारे साथ में, तो बाकी अन्य गोपियों को भी भगवान का अनुभव होगा। भगवान की प्राप्ति कर चुकी है गोपी, तो दूसरी गोपियों को भी भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, इसलिए गोदाम्बा जी इस गोपी को भी जगा करके अपने साथ में लेना चाहती हैं। यह बड़े गहरे आध्यात्मिक तात्पर्य हैं इस प्रसंग के, कई तरह के गहरे गहरे आध्यात्मिक रहस्य छिपे हैं इन छोटे छोटे छंदों में। भगवान का ही सब तरह से जो आश्रय ले ले कि भगवान ही साधन है, भगवान ही साध्य है, यही सबसे बड़ा अनुष्ठान है और यही सबसे ऊंचा अनुष्ठान है, सबसे श्रेष्ठ उपाय है। भगवान की प्रसन्नता, भगवान का मुखोल्लास और भगवान की लीलाओं का गान करना, भगवान की लीलाओं का अनुभव करना, यही यहां पर स्वर्ग शब्द से तात्पर्य है। ये जो सांसारिक जो स्वर्ग इत्यादि लोक हैं, इनकी कामना कभी भगवान के भक्तों को नहीं होती। यहां कुंभकर्ण का संकेत किया गया उन लोगों के लिए कि जो लोग भगवान की लीला कथा का श्रवण करने में रुचि नहीं रखते, भगवान का भजन करने में रुचि नहीं रखते, उसमें आलस करते हैं, जप करने में, भजन करने में, ध्यान करने में, इसमें तो आलस करते हैं और संसार की चीजों की प्राप्ति में तत्पर रहते हैं, उनको कहा यहां पर कुंभकर्ण। भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना है, श्री गोदा रंगनाथ भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना है कि जैसे वह कृतकृत्या गोपी थी जो भगवान का आश्रय लेकर के भगवान को प्राप्त कर चुकी थी, तो वैसे ही हमारा जीवन भी कुछ ऐसा बने कि हम दूसरे उपायों को छोड़कर भगवान के श्री चरणों का ही आश्रय लेवें और भगवान के श्री चरणों के भरोसे हम भगवान की कृपा दृष्टि प्राप्त कर लेवें। यही प्रार्थना है श्री गोदा रंगनाथ भगवान के श्री चरणों में। ज्येष्ठ मंदारे।